चौपन सुनबद्दर से अब तक की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जो आपको बता दें कि रोड मरम्मत और पुलिया के मरम्मत के नाम पे लगातार भ्रष्टाचार की एक बू आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ओबरा सोनबद्र के अंदर जिस पुलिया का निर्माण किया जाता है, जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है, उन सड़कों और पुलिया के निर्माण के अंदर उपयोग में आने वाली सामग्री को लेकर लगातार दोष और लगातार विरोध जारी है। ओबरा सोनबद्र से खास खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश्वर विश्वकर्मा आवाज 24/7 से। मैं इस समय चौपन ब्लॉक अंतर्गत खरहरा गांव में आया हूं, जहां पाइप वाली पुलिया का निर्माण हो रहा है। ये मानक विहीन बन रहा है। गांव वालों के विरोध करने पर यहां जय साहब आए हैं, वो भी बोले मानक विहीन बन रहा है, इसको पुनः तोड़ के बनवाया जाएगा। इसमें भस्सी का टोटल प्रयोग हो रहा है, बालू का मात्रा है नहीं। मसाला जो है एकदम थर्ड क्वालिटी का बना हुआ है, जिसमें हाथ से मसलने पे एकदम भस्सी ही दिखाई दे रहा है। और हम इसमें भ्रष्टाचार का जांच होना चाहिए, ठेकेदार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए मैं कुछ गांव वाले से बात कराता हूं। अशोक कुमार जी, क्या दायित्व, यहां क्या कर रहे हैं आप? यहां सर जी यही है कि पहले जो पुलिया था, इतना भारी पानी चलता है यहाँ पे बरसात में, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक निवासी हम लोग हैं और जब चलते हैं तो खुद पता चलता है उसमें बरसात में कितना पानी आता है। और जब देखा गया कि टूट के पुलिया यहाँ पे लगाया गया पाइप, इसके वजह से हम लोग थोड़ा बोले कि पाइप लगाया जा रहा है, क्या टिक पाएगी पाइप? पुलिया जब पहले तोड़ दिया तो पानी उतना बचा पाएगी पाइप? इसलिए हम लोग थोड़ा रुकाव डाले देखने के लिए कि मतलब कि हकीकत यही चीज़ है या पुलिया आया हुआ है। तो क्या सामने आया खुलकर? सामने क्या आया, बस हम लोग चाहते थे कि जेई साहब आए, थोड़ा बस बता दे कि ये पाइप वाला सिस्टम आया हुआ है, हम लोग यही करें। तो हम लोग वही चाहते हैं कि अच्छे से काम हो और ख़राब ना हो बस, क्योंकि हम लोग यही मूल निवासी हैं, हम लोग बराबर चलना होता है, हम लोग ये जानते हैं। जो जुड़ाई हो रही है भाई साहब, ये जुड़ाई हो रही है, ये सब भस्सी से हो रहा है, ये तो बालू होना चाहिए, क्योंकि भस्सी से तो अच्छा नहीं लग रहा है। कि भस्सी में भी सीमेंट कम मिलाया जा रहा है, जो मात्रा होता है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाथ से मसल रहे हैं हम, हाथ से मसल जा रहा है, जोर मसाला। ये काम कितने दिनों से चल रहा है ये भाई साहब? सर ये काम तो हमारे ख्याल से 3-4-5 दिन लगा है, काम लगा है, 2-3 दिन हो गया हम लोग इसको रोके हुए हैं। 2 दिन हुआ है, पहली बार हम आए यहाँ पे थोड़ा सा देखने की, मतलब क्या हो रहा है। हमारा घर ही पास में है, यहाँ से ये हो गया कि नहीं आया है कोई रोकने, तो हम लोग रोकने ही, किसी का काम नहीं रोके हैं, बस ये देखना है कि हर चीज़ यही आया हुआ है या हकीकत मतलब कि दूसरा कुछ है। माता जी आपका नाम क्या है? गौरी। किस गांव से हैं? चलिया पनारी से। ये आपके घर के सामने पुलिया बन रहा है, इसमें खामियां क्या है जिसे कि आप विरोध कर रही हैं? खामियां यही है, जो नाला में पानी आएगा अलियार का तोराई जाम हो जाएगी, जाम हो जाएगा, सालों भर 2 साल ना चली तो पुलिया बन ले कौन नंबर। किससे से जोड़ैया हो रही है? भस्सी से तुरंत भर का तुरंत वही पर जोड़ैया हो गया, बस हटो नहीं। पानी से उसका सिंचाई कर रहे हैं? हल्का हल्का। जितन कुमार से। ये सब ये पुल का निर्माण किया जा रहा है क्या? ये पुलिया है, पाइप पुलिया है, पुलिया है, तो क्या मानक रूप में ये हो रहा है काम? यहाँ पे जो है पाइप पुलिया, वो जो पहले जो पुल बनाना था वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया था, हम लोग इसको पाइप पुलिया में इसको स्वीकृत अभी कराया, क्योंकि ये रास्ता रुक गया था एकदम, तो उसके लिए हम लोग वही 1000 mm डाया की 2 पाइप यहाँ लगाएंगे। क्या भस्सी जुड़िया करने के लिए बोला गया था क्या आपको? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है, इसको हटवा रहे हैं, इसको बोल दिए हैं पहले, आप लोग आने से पहले ही मैं उसको बोल चुका है, इसको तोड़ दो, तोड़ के हटा लो। आप मौके पे हैं, क्या कमी पाए जी साहब इसमें भी? हाँ वही जो है एक पाइप कम इसमें वो एक और लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वो पानी का फ्लो ज्यादा है, वो 1 रो का है यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पे 2 रो की बननी चाहिए, तो उनको आदेशित कर दिया गया है कि इसको थोड़ा सा 2 रो का कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लो थोड़ा ज़्यादा है पानी का, वो इस्टीमेट में भी था वहीं 2 रो का ही। तराई भी नहीं दिख रही है? नहीं नहीं, तराई तो हो रही है, तराई तो पानी कहीं दिख रहा है, जनता भी बोल रहा है। नहीं वो तो जनता भी बोल रही है कि हो है, तराई किए हैं आज, नहीं लोग काम करने दिए हैं इसलिए हो सकता है आज ना किए हों, मगर तराई तो पर डे हो रही है। इसमें लोकल बोल्डर भी लग रहा है? लोकल बोल्डर नहीं लग रहा है, सब यही सामने रखा हुआ है सर अभी। नहीं देख लीजिए आप, वही देखिए ये सब आया ही है ना बोल्डर, ये आया है वहाँ भी देख लीजिए, वो सब बोल्डर तोड़ के लगाया गया है, टूटा होगा जो वो उसमें जो पहले का जो था थोड़ा मलबा वलबा, तो बाहर है सर, वो तो रहेगा ही।
कितनी जगह ये पुलिया का काम चल रहा है? यहाँ पे 5 जगह बना है पुलिया। क्या दोनों और नहीं सब जगह? नहीं, 5 जगह में बस यही है, 2 रो रहेगा और जगह सिंगल रो की है। सिंगल रहेगा? हाँ। तो सर हर जगह भस्से से निर्माण नहीं होगा? अब बालू से होना है, कहाँ सर यहाँ बालू तो दिख ही नहीं रही है, आपके सामने पूरी भस्से दिख रही है, बालू दिख नहीं रही है सर। नहीं बालू से होना है, बालू से करेंगे ही ये काम, ये तो निश्चित रहिए आप लोग।